हेलो फ्रेंड्स, मधु नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं देखिए आपके लिए ये दो कलरफुल बुनाई बताऊंगी जो बहुत ही इजी है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए, इसमें जो है 9 के मल्टीपल फंदे पड़ेंगे और प्लस 7 फंदे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप डालिए और अपना जो भी बॉर्डर है आप इस कलर का बनाइए। जो भी कलर आप बेस में रखेंगे उसी कलर का बॉर्डर बनाइए, जितना बड़ा हो फंदे बढ़ाना हो बढ़ा लीजिए, फिर ये बुनाई स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब इसको स्टार्ट करने के लिए दूसरे कलर का ऊन लेंगे, दो कलर में है क्योंकि ये। तो देखिए, पहला ये एजिटेज का है तो इसको बना लेंगे, ठीक है, बना लेंगे जिससे ये किनारी बंधी रहेगी, नहीं तो ये खुली खुली सी लगेगी। तो अब देखिए, इसको बनाया, धागा पीछे रखा और 5 फंदे सीधे बनाए, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बनाए, 1 एजिटेज को मिला के 6 फंदे हो गए। अब ये हमारा ब्लैक कलर का है क्योंकि ये बॉर्डर है, तो इसको जो है हम इसको जो अपोजिट कलर है तो इसके हम स्लिप कर लेंगे और ये से फिर से इनको बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 फंदे बनाए हमने सीधे, ठीक है। अब ये दो फंदे, जिस कलर का बॉर्डर है वो दो फंदे अपोजिट कलर के आपको स्लिप करने हैं। मेरा बॉर्डर ब्लैक कलर का है तो मैंने ब्लैक स्लिप कर दिया। अब ये फिर से 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे बना लिए और ये बॉर्डर के कलर के दो फंदे स्लिप कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7, 7 फंदे ये हो गए और एक ये एज इट इज का ये भी बुन लिया हमने, ठीक है। इसको आप मत देखिए, आप यहाँ से देखिए कि ये हमारा यहाँ से बॉर्डर है और हमने यहाँ से बुनाना शुरू किया है अपना, ठीक है। ये पहली सिलाई है बुनाई की। अब दूसरी सिलाई देखिए, ये स्लिप किया हमने, या बना लीजिए या स्लिप कर लीजिए, वो आपकी मर्जी, मैं तो बना लूँगी। अब धागा दूसरे साइड और 1 2 3 4 5 फंदे हमने बुने सीधे बॉर्डर को, ये एजिटिज को छोड़ के 5 फंदे सीधे बुने, धागा अपने साइड करेंगे और ये दो येलो फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे और इनको दो को स्लिप कर दिया जो अपोजिट कलर के हैं। अब 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बनाए, धागा अपने साइड किया और ये दो फंदे उल्टे बनाए और ये स्लिप कर दिए ब्लैक कलर के, धागा फिर दूसरी साइड और 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5, फिर से धागा अपने साइड लाएंगे और ये दो फंदे उल्टे बुने, धागा अपने साइड ही रखेंगे और ये दो फंदे ब्लैक कलर के स्लिप कर दिए, 1 2 3 4
फाइव और ये एज इट इज का फंदा, ये भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया, देखिए है एक रो बन गई हमारी ये येलो कलर की। इधर तो नीचे हमारा बॉर्डर है क्योंकि ये बुनाई की फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के दो रो दो जो है बन गई है बुनाई। अब देखिए अब ये हम थर्ड रो पे आ गए हैं, तो हर दो रो के बाद में ये धागा चेंज होगा वूल। अब हम अपने बॉर्डर के कलर पे आ गए, तो एक ये एजटिच का है, दो एक दो तीन चार और ये पांच, एजटिच को छोड़ के पांच फंदे हमने ब्लैक कलर से बुने। अब देखिए हम ट्विस्ट करेंगे ये दो बुनाई, तो इसको हम येलो कलर को पीछे से ले लेंगे और इसको आगे से पीछे ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे चढ़ा लेंगे और इसको सीधा बना देंगे। ये सीधा बना के, सॉरी सीधा नहीं बनाएंगे हम इसको, क्योंकि यह हमारा अपोजिट कलर का फंदा शिफ्ट हो स्लिप होता है। तो एक एज इट इज का और पांच फंदे हमने सीधे बनाए, फिर इसको ट्विस्ट किया। अब इसको हम, क्योंकि हमारा अपोजिट कलर का फंदा हमेशा स्लिप होगा, तो ये हम इसको स्लिप कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ये सेम कलर है तो इसको बनाएंगे, दो फंदा ट्विस्ट करके ये बना लिए हमने बुनाई। अब देखिए पांच फंदे और बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। ये हमारी थर्ड रो है फ्रेंड्स, थर्ड रो में हमारी बुनाई ट्विस्ट होगी बॉर्डर बनाने के बाद में। तो आप देखिए ये येलो कलर के हम पीछे से आगे ले आए और ये आगे से पीछे चले जाएंगे ऐसे, और इनको तो हमें ट्विस्ट स्लिप ही करना है, और ये ब्लैक वाले हमने बना लिए ऐसे। ये देखिए अब फिर से हम पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, ये बन गए पांच हमारे। अब हमें फिर से ट्विस्ट करनी है, ये देखिए ये हमारे स्लिप हो गए फंदे और इसको बना लिया, एक दो ये स्लिप वाले। अब पांच फंदे वैसे, एक दो तीन चार पांच और ये स्लिप हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बुनाई ट्विस्ट हो गई ऐसे। अब हम बैक साइड आ गए अपने, तो देखिए बैक साइड कैसे बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही बनाएंगे इसको हम। ये देखिए उल्टा मैंने बनाया, धागा पीछे किया और वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फंदे हमने उल्टे बनाए सीधे बनाए। अब धागा अपने साइड और ये ब्लैक फंदे को, दो ब्लैक फंदे को बनाया मैंने उल्टा और इसको स्लिप कर लिया अपोजिट कलर को। फिर से धागा दूसरी साइड और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ किया और ये उल्टी सिलाई में सेम कलर के फंदे उल्टे बनेंगे दो। फिर से ये दो फंदे स्लिप कर दिए, फिर से धागा उधर किया, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे बना के ये दो फंदे हमने उल्टे बनाए। जो स्लिप किए हुए फंदे के बराबर में सेम कलर के फंदे होंगे वो उल्टे बनेंगे और ये दो फंदे अपोजिट कलर के स्लिप हो जाएंगे। अब धागा फिर से दूसरे साइड और पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच और ये छः, एक एज इट इज का मिला के छः फंदे। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी दो सिलाइयों को मिला के एक रो बनी है, ठीक है। तो इस रो में हमने ट्विस्ट किया है। अब देखिए
अब हमें 6 रो और बनानी है, 6 दूनी 12 सिलाइयाँ और बनानी है, 1 2 3 4 5 6 ये बनी, 6 से 7 सिलाई बनानी है, 14, तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे। और 1 2 3 4 5 यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 14 रो बना के, 7 रो बना के फिर से ये ब्लैक कलर के धागे से हमारी ट्विस्ट हो गई बुनाई। तो चलिए हम बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 14 सिलाइयाँ और बनानी है, तो 13 बनानी है क्योंकि एक हमारी बन गई है। इसी तरीके से बनाइए, यहाँ से धागा चेंज हो जाएगा, देखिए फिर से ये एज इट इज का मैंने बुन लिया, और 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हो गए हमारे। अब हमें इसको भी जो है देखिए, अब ये हमारा स्लिप होगा और ये बनेगा, तो ये बना लिया हमने, ये दो फंदे सेम कलर के, जिस कलर का होगा ऊन चलेगी वो फंदा बुन जाएगा हमारा। और ये देखिए, ये हमने स्लिप कर दिए ऐसे, और फिर से सीधा 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हो गए, और ये 2 मिला के 7 हो जाएंगे, ठीक है। और ये 2 स्लिप कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 फंदे, और ये 2 मिला के 9 फंदे हो गए। 9 फंदों का हमारा एक पैटर्न है, ये देखिए। अब ये जो एक्स्ट्रा 7 लिए थे हमने प्लस 7, तो ये 7 फंदे हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल बनाई है फ्रेंड्स, जिस कलर का धागा है उस कलर से ही बनाइएगा आप, और दूसरे कलर का जो 2 फंदे हैं वो स्लिप हो जाएंगे। बुनाई सिर्फ इन 4 फंदों में ही चलती है, बाद बाकी तो पूरे सीधे सीधे ये फंदे आते हैं। ये देखिए, हम अपने नेक्स्ट रो पे आ गए। एक दो तीन चार पाँच धागा अपने साइड, ये स्लिप किया और ये 2 फंदे उल्टे बनाए ऐसे। अब धागा पीछे, और ये चार 5 फंदे बनाए, फिर से धागा अपने साइड, और ये 2 ब्लैक वाले स्लिप और ये 2 उल्टे बनाए। उल्टी सिलाई में ये उल्टे बनेंगे येलो कलर के, 2 इन्हीं 2 फंदों की बुनाई है बस, और ये सारे सीधे ही सीधे बनेंगे दोनों साइड से। एक दो तीन चार पाँच और ये एज इट इज का 6 फंदे। अब देखिए फिर से हमारा 2 रो की एक ये गांठ बन गई। अब हमारा फिर से धागा चेंज होगा, तो देखिए से चलेंगे, ये बुन लेंगे। अब यहाँ से बुनाई शुरू हो गई, 1 2 3 4 5 अब देखिए ये अपोजिट कलर है, ये ब्लैक कलर चल रहा है, तो ये अपोजिट कलर है तो ये स्लिप हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये वाला सेम कलर है तो ये सेम बन जाएगा, ये देखिए। अब फिर से 5 फंदे और आएंगे, 2 3 4
पांच, पांच ये फंदे और दो मिला के सात हो गए। अब ये स्लिप हो जाएगा अपोजिट कलर और ये बन जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये स्लिप हो गया और ये उल्टे साइड ये दो ब्लैक फंदे बुन जाएंगी क्योंकि सेम कलर की बुनाई चल रही, तो ये उल्टे फंदे बनाए जाएंगे और बाद बाकी सारे सीधे। अब उल्टे साइड आ गए हम अपने टू थर्ड रो पे आ गए ट्विस्ट करके। ये थर्ड रो हो गई हमारी कंप्लीट। अब फोर्थ रो हमारी शुरू होगी। पांच, अब ये देखिए पांच फंदे निकलेंगे दो तीन चार पांच, सॉरी ये मैंने उल्टे बना दिए, सीधे बनने थे। धागा दूसरी साइड और पांच फंदे सीधे दो तीन चार पांच। अब ये दो फंदे सेम कलर के हैं तो इनको ये स्लिप किए हुए इसके बगल के फंदे हैं दो, तो ये इनको उल्टा बनाएंगे और इनको स्लिप कर लिया। फिर धागा दूसरे साइड करेंगे एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे, फिर अपने साइड धागा करके ये दो ब्लैक फंदे सेम कलर के उल्टे बनाएंगे और ये दो स्लिप करेंगे। फिर से एक दो तीन चार पांच और एक ये एजटेज का। तो ये देखिए फ्रेंड्स यही दो रो हमारी, जब तक ये चौदह रो, पांच रो और बनानी है हमें। पांच रो बना के जब ये ब्लैक कलर आएगा हमारा तब हम ट्विस्ट करेंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ, आप भी बनाइए, मैं ये पूरी सात रो बना के लाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड अब हमारी यहाँ से इसको छोड़ के ब्लैक को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन रो हो गई हैं। तो सेवन एक रो दो एक ये रो दो सिलाइयों की है। तो चलिए अब हम बनाते हैं, ट्विस्ट हो गई सिलाई पे हमारी बुनाई। तो ये जो बॉर्डर का कलर है वो आप लीजिएगा और सीधा बनाइए। देखिए दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे बनाए एक एजटिच को छोड़ के, पाँच फंदे हमारे ये हो गए। तो टोटल हमें एजटिच को जोड़ देंगे तो छः फंदे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि हमारे मेन ये वाला बॉर्डर है, ब्लैक कलर का बॉर्डर है, जिस कलर का बॉर्डर होगा उसको हमें ऐसे आगे ले जाना है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको, ये वाला येलो कलर का पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बार आगे से मुड़ेगा ऐसे ऐसे आएगा। वैसे तो अगर आप नॉर्मली तो हमारा पीछे से जाता, लेकिन क्योंकि हमारा ये बॉर्डर का कलर है तो इसी को हम फ्रंट पे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे मुड़ेगा ये, ठीक है। अब देखिए आप ये सेम कलर है क्योंकि ब्लैक कलर की गून चल रही है, तो सेम कलर का फंदा आया तो ये हम बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे आठ फंदे हो जाएंगे एजटिच को जोड़ के एक दो तीन चार। अब ये अपोजिट कलर है तो इसको हम स्लिप कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब फिर से वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फंदे बुने और इसको आगे से ट्विस्ट करेंगे ऐसे।
सिक्स, अब एट फंदे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन फंदे हो गए और ये अपोजिट का कलर स्लिप कर लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी फाइव फंदे बना के ब्लैक कलर के इसको आगे से ट्विस्ट करेंगे। ये ऐसे आ गया हमारा ऊपर और इसको बना लेंगे क्योंकि ये सेम कलर है और ये अपोजिट कलर दो ट्विस्ट कर लिए। सिर्फ इन्हीं दो फंदों की बनाई है, ये सेम कलर बन जाएगा और अपोजिट कलर स्लिप हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे देखने में ट्रिकी लगती है लेकिन ट्रिकी है नहीं ये बुनाई। अब देखिए अपोजिट साइड आ गए हम, ये बनाया और इसको ऐसे पीछे किया और एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे बनाए, धागा अपने साइड, ये अपोजिट कलर को स्लिप किया और ये सेम कलर के दो फंदे जो इसके बगल में हैं येलो येलो कलर, अगर ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर उल्टे बना जाएगा ये दो, और अगर येलो कलर का है तो येलो कलर उल्टा बना जाएगा उल्टी सिलाई में। तो ये दो बना लिए उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, धागा अपने साइड लेके ये दो स्लिप किए और इनको दो को उल्टा बनाया, फिर से धागा पीछे साइड करेंगे और पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा अपने साइड, दो स्लिप कर दिए फंदे ये और ये दो फंदे उल्टे बनाए ब्लैक कलर के, फिर से धागा बैक साइड और सीधे फंदे बनाए। अब ये एज इट इज का भी सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऐसी बुनाई बनके तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जब सात सात रो रिपीट करते चले गए, सात सात रो, ये दो दो सिलाई की एक रो है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस पर ट्विस्ट हुई, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर इस पर ट्विस्ट करी हमने, इस तरीके से हमारी ये पूरी बुनाई बनेगी और ये बहुत सुंदर लगती है देखने में। बैक साइड से ये इस तरीके की बन दिखती है। तो फ्रेंड्स आप बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। बच्चों के स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में भी अच्छी लगती है ये, तो आप बनाइए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय बाय।